अभी 15 वर्ष से आई हूँ, बता नहीं करी जा रही है। इसके बाद भागवा से आ रहे हैं, भागवा से आकाश कल्याण वॉलंटियर्स पे चलते जाएं, बैठते जाएं। अभी भागवा से लाई गई बाकी यहाँ पे करी जा रही है। देखिए 17 ब्लॉक्स और 3 म्यूनिसिपल बॉडीज से काम किया गया हर घर से मिट्टी को इकट्ठा करने का। आज हर ब्लॉक से और तीनों म्यूनिसिपल बॉडीज से मिट्टी लाई गई, जिसका यहाँ पे हमने माटी को मिला के सारे ब्लॉक्स और म्यूनिसिपल बॉडीज़ को एक यहाँ पे भी कलश बनाया। ये कलश 17 जो हमारे ऑब्जर्व रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हर ब्लॉक से और 3 म्यूनिसिपैलिटीज से, वो 20 लोग ये कलश लेके जाएंगे। ये सब पहले जम्मू जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये जम्मू प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे जहाँ पे फंक्शन होगा, और उसके बाद ये सब लोग इन कलश को मिट्टी को लेके दिल्ली की तरफ रवाना होंगे, जहाँ पे अमृत वाटिका बनेगी और वहाँ पे ये मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी। सर लगभग कितने लोग यहाँ पे आए, चाहे डिपार्टमेंट्स की बात करें, स्कूल? आज स्कूल के बच्चे, डिपार्टमेंट्स के, पंचायतों से लोग, मुझे लगता है कम से कम 2500 से 3000 लोग हमारे इकट्ठे हुए थे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे दिखता है, वो बच्चों में, नौजवानों में अपनी माटी के प्रति और अपने वीरों के प्रति जो भावना जागृत हो रही है, वो लगता है एक बढ़ते देश के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों को आखिर में मैसेज क्या होगा? लोगों के लिए यही मैसेज है कि ये अब पीस का अमृत काल चल रहा है। जिन लोगों ने अपनी सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उन लोगों की वजह से आज हम इस हालात में हैं जहाँ पे पीस और डेवलपमेंट हम हर तरफ देख रहे हैं। अब इसका फ़ायदा उठाना है, दुश्मन देश की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देना है, उनकी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है, हमें मिलके रहना। ये हम सबकी मिट्टी है और इसकी वंदना करना हम सबका फर्ज है।